हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? मुझे लगता है कि मेरा वीडियो तो आप लोग देख ही रहे होंगे ब्लॉग, बट मुझे नहीं लगता है कि मेरा ब्लॉग क्वालिटी देता है। बट मैंने सोचा कि शायद फ़ोन चेंज करने पे क्वालिटी अच्छा दे, तो मैंने सोचा आईफोन कैसा लगा मेरा मजाक? आईफोन नहीं, मुंह से निकल गया आईफोन, वन प्लस नाइट लेने जा रहा हूँ जो 20,000 के अंदर में आ रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वन प्लस नाइट का कैमरा कैसा है, वो सब कुछ दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं शॉप, वहीं पे मिलते हैं आपसे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो मैं और मेरा कैमरामैन निकल चुके हैं अपने बाइक पे मोबाइल शॉप की ओर। तो मैं आपको और भी कुछ दिखाऊंगा, ब्लॉग में बने रहिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं मेन टेंपल की ओर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना भीड़ है। यहाँ पे हर दिन भीड़ रहता है, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बोधगया का नामी पार्क माया सरोवर, जस्ट इसके बगल में बोधगया संस्कृति केंद्र है। यहाँ पे हर दिन कुछ मीटिंग होते रहते हैं, प्रोग्राम होते रहते हैं, कई नेता आते ही रहते हैं यहाँ पे। हर दिन आपको यहाँ पे भीड़ दिखेगा ही दिखेगा। बहुत ही फेमस जगह बन चुका है ये। तो हम लोग मोबाइल दुकान आ चुके हैं, तो चलते हैं अंदर, मोबाइल दिखाते हैं वन प्लस का। बट देखते हैं, वन प्लस का फ़ोन तो अच्छा सुनने में आया, अच्छा नहीं है। देखते हैं भैया का क्या कहना है। तो हम बता दें कि वन प्लस लेने आए थे, बट भैया ने फ़ोन करके बताया कि वन प्लस अच्छा फ़ोन नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रही है। तो भैया ने दिखाया कि एक आई क्यू का फ़ोन आया है, Z7 वीवो का है ना, वीवो का कंपनी का है। तो भैया ने बोला कि लेने के लिए आपके लिए यही अच्छा रहेगा, आप वीडियो बनाते हैं इसीलिए। तो मैंने भी सोचा कि चलो देखते हैं इसी को यूज़ करके। 25,000 शायद है इसका रेट, 150 रुपया देगा तभी इसको हम परचेस करेंगे। तो वीडियो में आगे और भी कुछ दिखाएंगे आपको, तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। जूम भी कर रहे तो इसको मतलब फट नहीं रहा है। अरे बाबा, तो हम बताएंगे ये फोन बहुत है, अच्छा है। आगे और भी बताएंगे वीडियो में कैसा है। ये फोन खरीदे हैं 25,000, वो अच्छा फोन है। तो भैया से हाथ मिलाते हैं, देखेंगे अच्छा वीडियो आया तो आपके पास फिर से आएंगे। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए कुछ बोल दीजिए। मोबाइल शॉप से जैसे ही मोबाइल खरीद कर बाहर निकले तो रोड पे देखे बहुत ट्रैफिक लगा हुआ था। ट्रैफिक के कारण हम लोग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी कैसे करके मैं बाइक को निकाल लिया। और आपको ट्रैफिक दिखाएगा मेरा कैमरामैन कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, और आपको दिखाएंगे कि नाइट का व्यू कैसा होता है मेन टेंपल का। तो आप देखिए आगे मेन टेंपल का नाइट का व्यू कैसा है जो वीडियो में। तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग मेरा न्यू फ़ोन से बनने वाला है, तो क्वालिटी अच्छा दिखेगा। तो इसके लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाइए।